हाय फ्रेंड्स, सरकार ट्रेडर्स चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। सरकार ट्रेडर्स चैनल में मैं कौशिक सरकार आपके साथ। कल यानी कि मंडे हफ्ते का पहला दिन, तो पहले दिन हमें अच्छा बीतना चाहिए, ये मैं प्रे करता हूँ। सबको अच्छा बीते और सब ध्यान से ट्रेड करें। तो यहाँ पे हम कल के लिए कुछ स्टॉक के ऊपर ध्यान दूंगा, जैसे कि पिछले कुछ दिन से हम स्टॉक का वीडियो भी बना रहे हैं जिसके ऊपर आप ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन मैं सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि मेरा एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको अगर ट्रेड करना है तो आपको खुद का समझदारी के साथ ट्रेड करना है। तो दोस्त, चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम सीधा देखते हैं कि फ्राइडे के सेशन में क्या कॉल था और मंडे के सेशन में क्या कॉल आपको मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। फ्राइडे के सेशन में हमारा जो कॉल था, मार्केट डाउन साइड में था, तो हमारा बाय कॉल, ये भी बाइंग लेवल अचीव नहीं हुआ है, शायद बंधन बैंक भी अचीव नहीं हुआ था और विप्रो भी अचीव नहीं हुआ। लेकिन सेल साइड का जो हमने पीवीआर दिया था, सेल साइड में पीवीआर अच्छा खासा आपको पॉइंट दिखा है, 10 पॉइंट का गेन, तो इससे भी ज्यादा पॉइंट का गेन आपको पीवीआर दिखाया है। देखते हैं कल के लिए कौन सी स्टॉक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और किस लेवल पर आप करेंगे बाई। तो सबसे पहले हमारा सामने आ रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा को हम बाई करेंगे 601.05 रुपये के ऊपर, 601.5 के ऊपर। देखिए, कोई स्टॉक को अगर बाइंग करना है तो ये नहीं कि 9:16 में ही सीधा तेज बनने लग गया, कि 9:16 में ही इसे टच किया है। आपको कम से कम 9:17-18 के आसपास इसके ऊपर आके सस्टेंस होना है, तब जाके बाइंग करना है। कैसे होता है, यहाँ पे कभी कभी सुबह का 9:16 में ही, 9:16 में ही ये यहाँ पे टच करके नीचे आ जाता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि जस्ट एक बार के लिए टच किया और नीचे आ गया। तो ये समझदारी मार्केट में अपनाना है, ओके? तो मैं आगे कुछ वीडियो ऐसे बनाऊंगा कि मार्केट का अलर्टनेस, मार्केट का समझदारी आपको किस प्रकार का रखना है, ओके? चलिए दोस्तों, देखते हैं हम महिंद्रा एंड महिंद्रा को बाय करेंगे 601.50 रुपये के ऊपर। फर्स्टली हमारा टारगेट रहेगा 605 रुपये एंड सेकेंडली टारगेट रहेगा 608। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 605 को टच करने के बाद ये थोड़ा सा गिरावट दिखा सकता है, दोबारा जब ये ऊपर आएगा तब ये 608 में पहुंचने का चांसेस है। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसे कंडीशन में हर हमेशा मैं आपको ये कहता हूँ कि फर्स्ट टारगेट अचीव होते ही आपको 50% प्रॉफिट बुक कर लेना है और अनदर जो 50% है वो आपको स्टॉप लॉस रखना है बाइंग प्राइस में हर हमेशा के लिए। तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस क्या मेंशन करेंगे, 597, ओके? सेकेंडली जो स्टॉक है, हम एक्सिस बैंक को बाइंग साइड के लिए भी देखेंगे और सेलिंग साइड के लिए देखेंगे। हमें ये नहीं पता है कि कल मार्केट पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा। अगर मार्केट नेगेटिव साइड में चलेंगे तो हम नेगेटिव साइड का कॉल को कैरी करेंगे, मार्केट पॉजिटिव साइड में चलेगा तो हम पॉजिटिव साइड का कॉल को कैरी करेंगे। एक्सिस बैंक को हम बाइंग करेंगे 449 के ऊपर और टारगेट होगा 454, सेकंड टारगेट रहेगा 458। यहाँ पे क्या होने का चांसेस है, यहाँ पे आपको, मुझे लगता है एक्सिस बैंक आपको 445.50 पैसे, ये एक रेसिस्टेंस है 445.50 पैसे, यहाँ पे टच करके सुबह का सेशन में ही यहाँ पे टच करके एक बार ये नीचे आ जाए, ओके? नीचे आ जाए और बाद में दोबारा जब ये 456 को दोबारा इसके ऊपर जाके सस्टेंस हो जाएगा। मान लो कल सुबह मार्केट अच्छा है तो इसका ऊपर यानी कि 456.50 पैसे के ऊपर सीधा एक ही कैंडल में चला जाता है तो इसके ऊपर सस्टेंस होता है तो टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगभग एक घंटे के यहाँ पे बिता सकता है। उसके बाद इसने 458 या 459 का टारगेट दिखा सकता है मार्केट अगर पॉजिटिव ट्रेंड में है तो। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे 445 का। अगर मार्केट पॉजिटिव साइड में नहीं है यानी कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव साइड में नहीं है तो हम इसके ऊपर सेल करेंगे 441.4 के नीचे, बिलो 441.4 के नीचे हम सेल करेंगे। टारगेट हमारा 1% एंड 2% के लिए टारगेट यहाँ पे दिखाई दे सकता है। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 446 का, ओके? क्लियर। हम कल के लिए जो एक स्टॉक यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं वो स्टॉक है, आपको ध्यान रखना है एशियन पेंट के ऊपर। अगर एशियन पेंट अगर आपको 1728 के ऊपर सस्टेंस करता है, 1734 के ऊपर सस्टेंस करता है तो आपको इसके ऊपर एक बढ़िया मोमेंटम दिखाई देने को मिल सकता है, इसके ऊपर एक बढ़िया मोमेंटम दिखाई देने को मिल सकता है। और सेकेंडली, लास्टली जो कॉल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वो है बीपीसीएल को हमें बाय करना है 451 के ऊपर। 451 के ऊपर हम बाय करेंगे और इसका
इसके बाद एक बेटर टारगेट आपको दिखाई दे सकता है। हम इसे सेल पोजिशन कैरी करेंगे 445 के नीचे, हम इसे सेल पोजिशन कैरी करेंगे 445 के नीचे एंड बाइंग पोजिशन कैरी करेंगे 451 के ऊपर, ये बेटर परफॉर्मेंस दिखा सकता है। एंड 445 के नीचे अगर चला जाता है तो ये खराब परफॉर्मेंस यानी कि डाउन साइड का परफॉर्मेंस दिखाई दे सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो कल के लिए हम इतने ही स्टॉक में ध्यान रखेंगे। आज थोड़ा सा मेरे पास टाइम का कमी के वजह से मैं आपको चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ, तो कल का स्टॉक में आपको फिर से चार्ट के साथ एनालाइज करके आपके साथ स्टॉक बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। देखिए हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस है उनका सीट अगर आप लोग बुक करते हैं, देखिए अभी ये डेट गलत है, अभी नेक्स्ट बैच हमारा 10th अगस्त, जिन लोग 10th अगस्त का सीट अभी से बुक कर रहे हैं उनका जो बेनिफिट है, जस्ट ये एक बेनिफिट है ठीक है आप लोगों के लिए, कि 2000 से सीट बुक कीजिए और 10th अगस्त तक आपको एक एक कॉल प्रोवाइड होगा जो कि 90% से ऊपर का एक्यूरेसी वाला कॉल प्रोवाइड होगा, और उसी में काम करके आपको कोर्सेज का जो फीस है ये आप उठा सकते हैं। कोर्सेज का जो फीस है ये आप उसी के अंदर में ही काम करके आप बढ़िया बेटर प्रॉफिट यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो जिन लोग जितना जल्दी सीट बुक करेंगे उनको क्लास से पहले क्लास का फीस से भी ज्यादा अर्निंग हो सकता है। चलिए दोस्त आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको एक लाइक बटन मुझे उत्साह दिलाता है कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। तो लाइक बटन अभी तक अगर नहीं दबाए हैं तो प्लीज लाइक बटन को दबाइए और बेल आइकन दबाइएगा सबसे पहले मेरा ये वीडियो आप वॉचिंग करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय।